14 अप्रैल को रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने शादी कर ली। रणबीर पाली हिल की वास्तु नाम की बिल्डिंग में रहते हैं। सीमित मेहमानों के बीच शादी की सारी रस्में इसी घर में हुई। इस शादी में शरीक होने वाले गेस्ट की कुल संख्या 28 बताई जा रही है, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक इस इवेंट की सुरक्षा के लिए 200 बाउंसर बुलाए गए थे। इतनी चाक चौबंद व्यवस्था के बीच इस फंक्शन में ऐसा क्या हो गया जो पुलिस बुलानी पड़ी, हम आपको बताएंगे। रणबीर और आलिया की शादी को कवर करने के लिए भारी संख्या में मीडिया कर्मी मौजूद थे। जैसे ही किसी गेस्ट की गाड़ी आती, मीडिया वाले कैमरा लेकर दौड़ पड़ते। जिसके घर शादी है वहां आवाजाही तो लगी रहेगी, मगर इस चक्कर में उस बिल्डिंग में रहने वाले अन्य परिवारों को परेशानी होने लगी। बिल्डिंग में रहने वाले अन्य लोगों की शिकायत थी कि मीडिया वाले अनजाने में उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हो ये रहा था कि कोई गेस्ट आता तो उसकी एक झलक पाने के चक्कर में लोग दीवारों या गाड़ियों पर चढ़ जाते। इस पर मीडिया को तो फुटेज और फोटो निकालनी थी। इसी धक्का मुक्की में बिल्डिंग वाले लोगों की गाड़ियों का ध्यान नहीं रहा। इस प्रोसेस में खुद कई कैमरामैन चोटिल भी हो गए। जब बात बर्दाश्त से बाहर हो गई तो बिल्डिंग वालों ने वास्तु के लॉबी एरिया में एक मीटिंग की। फ्री प्रेस जर्नल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मीटिंग में रणबीर आलिया की शादी के ऑर्गेनाइजर को भी बुलाया गया। जब इससे भी बात नहीं बनी तो सबकी सहमति से इस बात की शिकायत पाली हिल रेजिडेंस एसोसिएशन में कर दी गई। PHRA ने बिल्डिंग वालों की इस शिकायत पर तत्काल प्रभाव से अमल किया। फोटोग्राफर और मीडिया कर्मियों को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को बुला लिया। हालांकि ये मसला ज्यादा बड़ा नहीं हुआ और आगे की सभी प्रक्रियाएं शांतिपूर्वक तरीके से हो गईं। शादी के बाद रणबीर और आलिया मीडिया से मिलने बाहर आए, सबका अभिवादन स्वीकार किया। फिर रणबीर आलिया को गोद में उठाकर अंदर चले गए। मीडिया वाले इतने में ही खुश हो गए। वो सब लोग खुशी के मारे अपना कैमरा उठाकर नाचने लगे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर अयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र में साथ काम कर रहे हैं। इस फिल्म में उनके साथ अमिताभ बच्चन, नागार्जुन, मौनी रॉय और शाहरुख खान नजर आने वाले हैं। ये फिल्म 9 सितंबर 2022 को रिलीज होने के लिए शेड्यूल्ड है। अपने लीड पेयर की शादी के बाद पक्की होने के बाद ब्रह्मास्त्र की टीम ने उनके लिए केसरिया नाम का एक गाना डेडिकेट किया है, जो फिल्म का हिस्सा बताया जा रहा है। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी श्वेतांक ने। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। पड़ोसियों की तान और गूगल बाबा के ज्ञान में फंसे मम्मी पापा के लिए अब आ गया समाधान। ऑर्डिनरी का नया शो परवरिश, जो आपके बच्चे की पढ़ाई से लेकर उसकी डाइट तक आपका देगा साथ। ये है एक कंप्लीट शो आपके बच्चे के लिए और आपके लिए। तो देखना मत भूलिएगा हर बुधवार ऑर्डिनरी पर परवरिश गीतिका के साथ।